हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, हम फिर से आए आपके लिए नया लेक्चर लेके। बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेक्चर ये, जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द एग्जाम्पल नंबर टू। क्या है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है और हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि सबसे पहले लाइन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर जो आपको निकालना है एरिया, वो किसका निकालना है? माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है रेडियस आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, सो आर वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर यहाँ पे, और थीटा वैल्यू इज 30 डिग्री। ये आपको डायग्राम के सामने दिख रहा है, और आपसे एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट कह सकते हैं हम, माइनर एंड मेजर दोनों निकालनी है। ठीक है, सो यहाँ पर निकालना क्या क्या वो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और सेक्टर बोले इसको हम, ये निकालना है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो स्टूडेंट, हमें दोनों चीज निकालनी है पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर सेक्टर बोले और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये आपके पास फिगर है गिवन, तो जैसे हम जानते हैं यहां पे कैसे इसको कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं पहले, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करें। सो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। इसके बाद थीटा की वैल्यू रखेंगे यहां पे 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 4 है आपके पास, सो 4 इंटू 4 यहाँ पे रख लिया हमने। ठीक है, अच्छा देखो भाई, यहाँ पे सारे वैल्यू प्लेस करेंगे हम, थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू बोला है 3.14 रखेंगे यहाँ पे, और r की वैल्यू 4 इंटू 4, इस तरीके से हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे। आप देखते हैं यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, सो इट विल बी कम 9 टाइम्स, और ये आएगा 3 टाइम्स, सो ये आ गया बेसिकली आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 1 4 1 4 5.43 12 अपॉन 3, इस तरीके से आए, तो यहाँ पे 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स वैल्यू है ना, ये तो आएगी 3 4 12 0.31 3 2 6 3 8 24, राइट, 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि ये अभी डिवीजन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आप निकाल सकते हैं इसको इजीली। क्लियर, अब देखो बात करते हैं यहां पे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमने आपको दो तरीके बता दिए निकालने के लिए इसको, तो दोनों ही तरीके यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एरिया कितना होगा, थीटा 360 माइनस थीटा, राइट, तो यानी कि 360 लिख देते हैं पहले, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वन ऑफ द वे है, तो 360 माइनस 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अभी यही रखेंगे इसको, सो यहाँ पे कितना आएगा 330 अपॉन 360
इंटू पाई की वैल्यू फिर से 3.14 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी, ये 11 टाइम्स, ये आपका जाएगा 12 टाइम्स, राइट। यहाँ पर ये फिर से 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी आपको चलाकी से इस आंसर को निकालना है। अगर आप इसकी बात करें यहाँ पे देखो, तो ये कुछ पोर्शन यहाँ पर सेम ही है, यानी कि ये 3.14 इंटू 4 अपॉन 3 ये वैल्यू है, यानी कि हमको इस वैल्यू को सिर्फ क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है 4.18 को, राइट। यहीं से हमने इसको उठाया है, यही वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे भी, और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली हमने, तो 8 और यहाँ पे आएगा 49.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू भी कैसी होगी, अप्रोक्स, क्योंकि हमने ये वैल्यू भी अप्रोक्सी ली है, तो ये वैल्यू भी इसकी अप्रोक्सी आनी है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, ए वाई बी का सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज 120 डिग्रीज, और पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 22/7। सो सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिगर को कम्प्लीटली ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको गिवन है उसको साइड में लिखते हैं, और फिर जो निकालना है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो आपको पूरी क्लैरिटी रहती है कि इसमें आपको करना कैसे है क्वेश्चन को। सो जैसे हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, उसी प्रोसेस से हम इसका एरिया फाइंड अप करेंगे। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी अगर हम बात करें, सो कैसे होगा अगर लॉजिकली देखें, सो एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ये जो बन रहा है आपका ओ बी या ओ ए वाई बी ओ, ऐसे ये सेक्टर बन रहा है, इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, राइट। इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, यानी कि जो हमारी माइनर सेगमेंट है इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसका एरिया निकालना है ये, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करें पहले, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको यहाँ पे हम, और यहाँ पे निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ द सेक्टर। सो स्टूडेंट एरिया ऑफ द सेक्टर हमने पढ़ा है, आपको एंगल भी प्रोवाइडेड है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करते हैं, थीटा की वैल्यू 120 ओवर 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, केयरफुली रखेंगे इसको, और आर की वैल्यू 21/21। तो यहाँ पे जीरो से जीरो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 3/7, 21 पूरा चला गया यहाँ पे, 21/22 करना है यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 21×42 का 2×4, 21×42 और 4×46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया जो हमें चाहिए था। ये एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ बोलें ओ ए वाई बी ओ, ओ ए वाई बी ओ, राइट। इस सेक्टर का एरिया ये होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। स्टूडेंट यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इसका एरिया कैसे निकालना है हमें, देखो ध्यान से। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अगर ये एरिया फाइंड कर लिया तो बाकी सारा क्वेश्चन तो कंप्लीट है आपका, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा बना लेते हैं इधर इस तरीके से, ये ऐसे ट्राइंगल है आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये है आपका ओ, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है आपका बी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आप देखो ये वाला एंगल कितना है, 120 है, इसकी वैल्यू 120 डिग्री है। ये आपका ये जो साइड है ये आर है 21, ये भी आर है 21, ठीक है, दोनों रेडियस हैं। इसके बाद आपको इसका एरिया निकालना है, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ बेस कितना है ए बी, और हाइट की बात करें तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा हमें, तो ये कितना होगा,
यानी मान लो इसको P है, ए बी इंटू ओ पी, ये इसकी हाइट होगी। लेकिन मैटर इज की हाइट निकलेगी कैसे? अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे जो O है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और सेंटर ऑफ सर्कल से ये जो AB है ये क्या है, कोड। और अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कोड पे हम कोई लाइन डालते हैं तो वो 90 पे कट करती है और उसको बाइसेक्ट भी करती है इक्वल पार्ट्स में। यस, ये हमें थ्योरम पढ़ी हुई है सर्कल में। तो यहाँ पर जैसे इसको डालेंगे यहाँ पे ये, तो ये पॉइंट P पे कट कर रहा है, तो वही हमने बनाया यहाँ पे OP, और ये आपका कैसे कट करेगा, 90 पे कट करेगा, दोनों एंगल 90 होंगे आपके। अब जब इन ट्राइंगल अगर बात करें, OAP एंड OPB दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ठीक है, क्यों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, रेडियस दोनों में कॉमन और दोनों में 90, तो बाई आर कॉन्ग्रुएंट बाई RHS। जो RHS थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज OAP, ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB और बाई RHS। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी कि ये जो लाइन हमने बनाई है OP ये बाइसेक्टर होगी, यानी कि 60 डिग्री होगा ये एंगल, और ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो दोनों ही 60 डिग्री के एंगल हैं यहाँ पे। तो इसके हिसाब से हम अब अपनी जो हाइट है ये निकाल पाएंगे। अब कैसे, देखो जरा, नाउ कंसिडर ट्राइंगल ओ ए पी कर लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी करोगे सेम ही आना है दोनों के अंदर। अब देखो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये एंगल हम ले रहे हैं, इसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होगी, ये परपेंडिकुलर, और नहीं सॉरी, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस होगी, है ना, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है ना, और ये आपकी परपेंडिकुलर, दिस वन एंड दिस वन इज बेस, फाइन। अब हमें यहाँ पर आर गिवन है और ये गिवन है, मतलब ये निकालनी हमें और ये हमें पता है, इसका तो कोई यूज ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों को, बेस और हाइपोटेन्यूस को कौन कनेक्ट करता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच होता है स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू होती है हमारे पास में ओ पी, अपॉन एच की वैल्यू हमारे पास आर, यानी कि इसको कहते हैं ओ पी अपॉन आर की वैल्यू 21, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन 21, दैट विल गिव यू ओ पी इज इक्वल्स टू 21/2। ये आपके पास ओ पी की वैल्यू आ गई इन सेंटीमीटर्स, 21/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पी एंड पी बी ऑल्सो, बोथ विल बी द सेम, क्योंकि हमारा ट्राइंगल क्या है यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, ये भी होगा हमारे पास अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्या, ए बी, ए बी क्यों चाहिए हमें, क्योंकि बेस इंटू हाइट तो यही है। तो अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास भी आ गया, बेस भी आ गया और हाइपोटेन्यूस भी आ गई, मतलब दो चीज़ हमें मिल गई यहाँ पे, बेस की वैल्यू मिल गई और हाइपोटेन्यूस मिल गया, यानी कि परपेंडिकुलर। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, दैट मीन्स आप साइन थीटा यूज करके निकाल सकते हो, आप टेन थीटा कर सकते हो, दोनों से ही वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। देखो कैसे आती है, अब इसी ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, नाउ हमें चाहिए ए पी, ए पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, ए पी अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी, 21, क्लियर है। नाउ दिस इंप्लाइज AP
इज इक्वल्स टू 21 रूट 3 अपॉन 2। इस 21 को उधर भेज दिया हमने यहाँ पे, लेकिन हमें ए पी नहीं चाहिए, वी वॉन्ट वॉट ए बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। सो दैट इज ट्वाइस ऑफ ए पी की वैल्यू 21 रूट 3 अपॉन 2, ये कट गया से। सो 21 रूट 3 सेंटीमीटर, इसको ऐसे छोड़ देंगे अभी। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, ए बी की वैल्यू आई है। अब आपके पास ए बी भी मिल गया, ओ पी मिल गया, दोनों की वैल्यू रख के हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ बेस ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 रूट 3 इंटू ओ पी इज अ हाइट, ओ पी की वैल्यू 21 अपॉन 2, फाइन। अब स्टूडेंट देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहां पे 21 इंटू 21 इज 21 का स्क्वायर, दिस इज 441, दैट मीन्स 441 रूट 3 अपॉन 4 यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया। अब इस एरिया को हम कहां रख देंगे, इस पोर्शन में जो हमें फाइनली फाइंड करना था। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इज एरिया ऑफ द सेक्टर कितना निकाला है, 462 माइनस 441 रूट 3 अपॉन 4, फाइन। इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी। आपको ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निकालने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट, आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। इस वीडियो में हम स्टूडेंट इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उनको करने का तरीका, जो वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा उस लेक्चर को भी, और देखेंगे उसमें कैसे कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे, टिल देन टेक केयर।